पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अब 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। सोमवार रात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। मंगलवार को कोर्ट ने राज को पुलिस हिरासत में भेज दिया, लेकिन इस बीच जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी फिल्म का रैकेट मुंबई से लंदन तक फैला हुआ था और वो अपने आप हॉटशॉट के जरिए अश्लील वीडियो अपलोड कर करोड़ों की कमाई कर रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि बॉलीवुड में डर्टी पिक्चर के कितने राज अभी छिपे हुए हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जो सच्चाई अब दुनिया के सामने आई है, उससे ये तो साफ है कि राज कुंद्रा ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मूछों पर दाग दिया जाए। ये काम तो ऐसा है जिससे नजरें नीची हो जाएं और सिर शर्म से झुक जाए। सिर शर्म से इसलिए झुक जाए क्योंकि पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है। आरोप है कि राज कुंद्रा ने न सिर्फ सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्में बनाई बल्कि उन्हें हॉटशॉट नाम के एक ऐप पर अपलोड भी कराया। पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए एक मैटर में अब मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर आरोप ये हैं कि वो भारत में रहकर अपने नेक्सस के जरिए पोर्नोग्राफी फिल्म्स को शूट करवाया करते थे। उन फिल्म्स की जो फीड हुआ करती थी उसको लंदन भेजा जाया करता था। वहां से प्रदीप बख्शी नाम का एक शख्स उन जितनी भी फीड होती थी उनको एडिट करवाने के बाद फिर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम हॉटशॉट बताया जा रहा है उस पर अपलोड कर दिया करता था। ऐसे में सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें राज कुंद्रा का नाम कैसे आया। मुंबई पुलिस ने फरवरी 2021 में अश्लील फिल्में बनाने और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मामले में एक केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस की जांच में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गहना वशिष्ठ को भी गिरफ्तार किया और इसी पूछताछ के दौरान सबसे पहले राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। हालांकि गहना वशिष्ठ अपनी सफाई में पोर्नोग्राफी की बातों से इनकार कर रही हैं। मुझे पता चला राज की अरेस्ट के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था। पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो पॉर्न की कैटेगरी में आता है। अब सवाल यह है कि आखिर राज की इस डर्टी वर्ल्ड में एंट्री हुई कैसे? आखिर कैसे राज कुंद्रा जिस्म दिखाने के ऑनलाइन धंधे में जाकर फंस गए? इसे समझने के लिए कहानी के फर्स्ट हाफ में आपको लेकर चलते हैं। ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से, मुंबई से ही किए जाते थे। जब पुलिस को ये जानकारी मिली कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी फिल्मों के कारोबार से जुड़े हैं, तो पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब तक पुलिस को इस बात के पक्के सबूत मिल चुके थे कि मड आइलैंड के ग्रीन पार्क में पोर्न फिल्मों की शूटिंग होती है। क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया है। इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा मामला है।
मैं अब वहीं पे हूँ जहाँ पे जो अश्लील फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, यहीं पे जो है यह बंगला है, ग्रीन पार्क करके बंगला, और इसमें जो है पॉर्न फिल्म की निर्मित होती थी, और जिसका राज कुंद्रा के साथ उसका सहयोग माना जाता है। जैसे कि ये फरवरी महीने में मुंबई के क्राइम ब्रांच ने यहाँ पे रेड करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, और उसकी जो कड़ी है वो जुड़ते जुड़ते राज कुंद्रा तक आ पहुंची थी। आरोप है कि ग्रीन पार्क में शूटिंग के बाद रिकॉर्डेड फीड को लंदन भेजा जाता था, जहां हॉटशॉट कंपनी में राज कुंद्रा का पार्टनर प्रदीप बख्शी इसका पोस्ट प्रोडक्शन करके हॉटशॉट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज करता था। प्रदीप बख्शी और राज कुंद्रा दोनों अपने आप में रिश्तेदार भी हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं। दोनों का ही इन्वेस्टमेंट कैरेनिन नाम की कंपनी है उसमें बताया जाता है। ये एक पूरा नेक्सस था, इनके बीच में एक बकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसका नाम एच अकाउंट था। उसकी 5 इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला है राज कुंद्रा, दूसरा मेघा वियान अकाउंट्स के नाम से सेव है, प्रदीप बख्शी जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, लंदन में ये शख्स रहता है, वहीं से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है पोर्नोग्राफी का उसको अपलोड किया जाता है। जिस हॉटशॉट्स नाम की कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसी का डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शख्स रॉब वो भी इसका सदस्य है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राज कुंद्रा पर इन खुलासों के बाद हमने अपनी पड़ताल और तेज कर दी। हमारे रिपोर्टर उन किरदारों के घर पर पहुंचे हैं जो कि राज कुंद्रा के इस बिजनेस से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। जी मीडिया रिपोर्टर ने हर किरदार से बात करनी चाहिए लेकिन कोई टीवी के सामने नहीं आया। हमारी अब तक की पड़ताल में इस पोर्नोग्राफी फिल्म के रैकेट में कुल 5 किरदार सामने आ चुके हैं। सबसे पहले राज कुंद्रा, गहना वशिष्ठ, शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे और कई मॉडल्स। शर्लिन चोपड़ा तो पहले ही पुलिस के सामने ये दावा कर चुकी थी कि राज कुंद्रा ही उसे अडल्ट इंडस्ट्री में लेकर आए थे। शर्लिन को राज हर फिल्म के लिए 30 लाख रुपए देते थे। 15 से 20 प्रोजेक्ट्स में शर्लिन ने उनके लिए काम किया है। शर्लिन चोपड़ा के इस दावे का सच जानने के लिए हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन शर्लिन ना कैमरे के सामने आई और ना ही फोन उठाया। हम शर्लिन चोपड़ा के मुंबई के जू इलाके के रेसिडेंस के बेहद करीब हैं। हम सुबह से सर शर्लिन चोपड़ा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनका अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में शर्लिन चोपड़ा का नंबर है, मैं स्पीकर पर रखता हूँ फ़ोन और देखते हैं कि क्या उनका रिप्लाई आता है। फ़ोन स्पीकर पर है, बेल जो है वो अभी भी जा रही है पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, वो फोन अभी नहीं उठा रही है। हमने मैसेज भी किया पर मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेंड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। शर्लिन चोपड़ा के अलावा एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी राज कुंद्रा पर धोखे और चोरी के आरोप लगाए थे। उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो हमारे कैमरे पर नहीं आई। हम इस वक्त पूनम पांडे के मुंबई के बांद्रा इलाके के घर के बाहर हैं। हम आपको बता दें कि जी मीडिया सुबह से पूनम पांडे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, अभी भी वो फोन जो है उठा नहीं रहे। हमने मैसेज भी किया, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। जी मीडिया जानना चाहता है कि राज कुंद्रा के केस में पॉर्न फिल्म्स को लेकर के पूनम पांडे की क्या इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि बाद में पूनम पांडे ने एक वीडियो जारी कर ये साफ किया कि अभी वो इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती हैं। At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra. इस बीच राज कुंद्रा ने कोर्ट में अपनी सफाई दी है। कुंद्रा ने कोर्ट में कहा है, मैंने हॉटशॉट्स कंपनी $25,000 में बेच दी थी। कंपनी में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं,
मैंने प्रदीप बख्शी को बेच दी थी कंपनी। लॉयड बैंक के अकाउंट से प्रदीप बख्शी ने पेमेंट की। राज कुंद्रा पर लगे आरोप कितने सच हैं और कितने झूठ, इसका फैसला तो कोर्ट में होगा, लेकिन जिस तरह से पोर्नोग्राफी के खुलासे हो रहे हैं उससे ये तो तय है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे प्रोड्यूसरों के नाम सामने आ सकते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा रसूख रखते हैं। अंकुर त्यागी के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई।